राहुल के विरोध के चलते एमपी छत्तीसगढ़ में उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई कांग्रेस। महिला उम्मीदवारों की कम संख्या देख राहुल गांधी हुए नाराज। छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है राज्य कांग्रेस। भूपेश बघेल सोमवार को दिल्ली पहुंचे थे। उनके पहुंचते ही खबर आई कि थोड़ी देर में चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों का ऐलान करने वाला है। रायपुर में चर्चाएं शुरू हो गई कि आज छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। राज्य चुनाव समिति ने सभी 90 सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए थे। सिर्फ केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर लगनी बाकी थी और उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि टिकट को लेकर कोई विवाद नहीं था। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग के बाद चुनाव समिति की बैठक भी होनी थी और यह बैठक छत्तीसगढ़ को लेकर होनी थी, लेकिन बैठक टाल दी गई जिस कारण से कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची भी रोक दी गई। दरअसल राहुल गांधी इससे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर आपत्ति जता चुके थे। राहुल की आपत्ति थी कि महिलाओं की कम संख्या को लेकर है। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवारों की जो सूची हाईकमान के पास पहुंची थी उसमें महिलाओं की संख्या 10% के करीब थी, जिसे लेकर राहुल गांधी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने राज्य का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कह दिया और कहा कि हमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाना होगा। अगर महिला हक की बात की जा रही है तो वो दिखाई भी देनी होगी। राहुल गांधी की बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था और इसके बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल उम्मीदवारों की सूची को लेकर वापस चले गए। दावा किया जा रहा है कि अब पहली सूची में कम से कम 8 से 10 नाम बदले जाएंगे और महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। बघेल के साथ में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि चुनाव आयोग ने कार्यक्रम तय किया है उसमें छत्तीसगढ़ के लिए सबसे पहले वोटिंग होनी है। राज्य की 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। ऐसे में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 4 सप्ताह ही बचे हुए हैं, इसलिए दोबारा से हर सीट पर सबसे पहले महिला उम्मीदवारों के नाम मांगने पड़ेंगे, छानबीन करनी होगी, महिला उम्मीदवारों की जीत की स्थिति को देखना होगा और उसके बाद ही नाम तय कर पाएंगे। दरअसल बघेल को इस बात का एहसास हो रहा है कि मुकाबला उतना आसान नहीं है कि जितना 2 महीने पहले दिखाई दे रहा था। 2 महीने में बीजेपी ने राज्य में अपनी स्थिति को तेजी से मजबूत किया है और कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में भी साफ हुआ है कि पार्टी को अभी भी बीजेपी पर बढ़त तो मिली हुई है, लेकिन ये अंतर अब तेजी से कम हुआ है और बीजेपी कांग्रेस के बेहद करीब पहुंच गई है। ऐसे में बहुत कुछ उम्मीदवारों पर आकर टिक गया है। अगर पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवार के आगे कमजोर हुए तो फिर मामला फंस सकता है, सरकार भी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी ये बात कह चुके हैं कि बीजेपी के पास अच्छे उम्मीदवार हैं, सामने का पहलवान भी दमदार है, इसलिए हम उन्हें ना तो कमजोर मान रहे हैं और ना ही हल्के में ले रहे हैं। चुनाव में किसी को कमजोर मानने की भूल करना नहीं चाहिए और खासतौर पर उस दल को जिसके केंद्र में सरकार हो, राज्य का मुख्य विपक्षी दल हो। साफ है कि मुकाबला मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में उम्मीदवारों की सूची भी कांग्रेस जारी नहीं कर पाई है तो दूसरी ओर बीजेपी ने सोमवार को अपने 64 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पहले ही बीजेपी 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है, यानी बीजेपी ने 90 में से 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। आमतौर पर बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची सबसे बाद में आती थी, लेकिन इस बार पार्टी ने परंपरा को बदला और चुनाव की घोषणा वाले दिन ही लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस बेहद दबाव में दिखाई दे रही है। ऊपर से राहुल गांधी की नाराजगी अलग से है जिस कारण से उम्मीदवारों की सूची पर एक बार फिर से मंथन शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।